ये कैसे मुमकिन है कि आप नमाजी बन जाए, आप नमाज की पाबंदी करने लगे, नमाज को बहुत पाबंदी के साथ पढ़ने का शौक़ अपने दिल में पाएं, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि थोड़े दिन आपको कोशिश करनी है, 30 से 40 दिन मुकम्मल पाबंदी करिए और मन को आदी बना लीजिए। सोचिए कि जो आदमी फजर में नहीं उठ रहा है उसे दिक्कत महसूस हो रही है, नींद और थकावट और सुस्ती वगैरह की शिकायतें, क्योंकि उसका मन जो है वो आदी नहीं है उठने का उस टाइम में। वहीं पे गिरोह है जो तहज्जुद में भी उठ जाता है, उसे तहज्जुद में उठने में दिक्कत नहीं है और आपको फजर में उठने में दिक्कत है, तो ज़रूर इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि सेम है आदमी, दोनों सेम है, दोनों अल्लाह के बंदे हैं। एक शौक से फजर से पहले तहज्जुद में उठ जा रहा है और एक फजर में नहीं उठ पा रहा है, तो ये एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। एक बंदा जो मुसलमान है उसको नमाज पढ़ना ये समझ लीजिए कि उसके वजूद के लिए एक बहुत पुरौनक चीज़ है, और इतनी कीमती चीज़ से वो महरूम है तो उसकी ज़िंदगी एक अधूरी सी मालूम होती है। कोई भी मुसलमान वो एक ज़िंदगी अपनी एक अधूरी अधूरी काट रहा होता है जब तक वो नमाज नहीं पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो नमाजों का पाबंद बनता है, नमाज की पाबंदियाँ शुरू करता है, उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़े दिन मुशक्क़त उठानी है, वो मन को आदी बना लीजिए। जैसे किसी भी चीज़ की अगर आपको आदत लग जाए, जैसे कुछ सालों पहले मोबाइल नहीं चलाते थे तो बगैर मोबाइल की भी ज़िंदगी हमारी कट रही थी, तो अब मोबाइल की आदत लग गई है तो अब बगैर मोबाइल की ज़िंदगी मुश्किल है। वैसे मोबाइल कुछ देर के लिए आपके साथ गायब हो जाए तो आपको लगेगा कि कुछ खोया खोया मालूम हो रहा है, हम ही गायब हो चुके हैं। मोबाइल गायब हो जाए तो ऐसा फील होता है कि हम खुद गायब हो गए। तो चूंकि ऐसा कुछ है नहीं, वो है क्या कि मोबाइल की आदत लग गई है, उसी तरह नमाज जो शख्स नहीं पढ़ता है तो उनको नमाज छोड़ने की आदत है, तो इसलिए वो नमाज छोड़ करके भी मज़े मार रहे हैं। और जिन्होंने नमाज की आदत बना ली है, तहज्जुद की आदत बना ली है, फजर में शौक से उठते हैं, वो मस्त होकर के वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, टहलते फिरते हैं, मस्त रहते हैं, उनकी आदत लग चुकी है और वो मज़ा पा रहे हैं, पूरा मज़ा पा रहे हैं वो। तो जो जिन लोगों ने जिस भी चीज़ की आदत बनाई है वो काम करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह नमाज पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ने की आदत बना ली, तो आप भी नौजवान हैं, इसमें आदत बनाना तो बहुत आसान काम है, मज़ा आएगा। आप फजर में उठने की आदत बना लीजिए, आदत बनाइए फिर देखिए मज़ा। 30 से 40 दिन आप कोशिश कर लीजिए, फजर में उठना है, एकदम तहैया कर लीजिए कि हमको उठना है, नींद आएगी, वो सुस्ती आपको घेरेगी, मन करेगा थोड़ा सा देर और सो लें, थोड़ा देर और, नहीं, ये शैतान का धोखा है। आप सीधा आँख खुलती है तुरंत अल्लाह का जिक्र कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। 3 ग्रह जो है शैतान लगा करके आपको कैद करता है, वो तो हदीस शरीफ में मफहूम है कि जब कोई बंदा उठता है तो शैतान 3 ग्रह लगा देता है, तो जब वो उठता है अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर दूसरी गिरह जब वो वजू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, फिर वो तीसरी गिरह जब नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है, तो पाक तबीयत हो जाता है। तो तहज्जुद भी मुराद है इससे और नमाज फजर भी मुराद है। तो आप शौक जगाएं और पाबंदी से उठने की कोशिश करें, 30 से 40 दिन अपने मन को इस चीज़ का आदत बना लीजिए, आदी बनाइए। जब आदी बना लेंगे तो आपको उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 30 से 40 दिन। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये मन जो है नमाज का धीरे धीरे आदी हो जाएगा, जब आदी हो जाएगा तो फिर इसका वो लुत्फ पाने लगेगा, उसका सुरूर उसको आएगा नमाज पढ़ने का, तो फिर उसको नमाज छोड़ने में बहुत बेचैनी महसूस होगी। जिस तरह वो नमाज ना पढ़ने में सुकून मिलता था उसको ना, मतलब नमाज छोड़ करके वो नींद के मज़े ले रहा होता है और पार्टियों में बैठ करके वो कहकहे लगा रहा होता है, नमाज हो रही है, दोस्तों के साथ बैठना ज़्यादा तरजीह देता है, दोस्तों के साथ बैठने में उसको ज़्यादा मज़ा मिल रहा है, नमाज को छोड़ रहा है। इसी तरह जिस दिन उसको नमाज की आदत लग जाए, सिर्फ आदत, तो फिर वो नमाज को हर दुनिया की हर चीज़ पर वो फोकियत देगा, तरजीह देगा कि हमको नमाज पढ़नी है, दोस्त की महफिल हो छोड़ के उठ जाएगा, किसी नेता या किसी भी शख्स के साथ उठना बैठना है, अजान हो जाएगी, छोड़ के उठ जाएगा वो, क्यों, नमाज की आदत लग गई है, अब वो नमाज पढ़ने लगे। जब इसकी आदत लग जाएगी ना तो नमाज पढ़ना इसके लिए दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर हो जाएगी,
तमाम कामों से बढ़कर इसके लिए नमाज पढ़ना हो जाएगा। शर्त यह कि आदत बनाए, किसी भी चीज़ की अगर जब आदत लगा लेंगे वो काम होना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मशक्कत शुरू में उठानी है 30 से 40 दिन की। 30 से 40 दिन आप पाबंदी से वजू करें, नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह की रहमतों की जो बरसात है वो देखें, और फिर रिस्क में जो बरकत है वो शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन दिमाग का ख़त्म हो जाएगा।